पंजाब नेपाल देखि आज को क्लास हम बेटी कनेक्टर को थियो जो एकदम राम्रो भयो तब को सब कंपोनेंट कुन कंपोनेंट लग्स आईसी सम्म सब कनेक्शन सब था भयो देव सर को जो पढ़ाने तरीका एकदम राम्रो छ। एकचोटि देव सर को लागि म ताली बजाउन चाहन्छु। पूरा मिल रहा है आपको? चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, साईराम है मेरा नाम। जी साईराम बताइए। सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा जी, और जो देव सर की डेडिकेशन है जी, और वो 6 घंटा खड़ा हो के बिना ब्रेक का हम लोग को पढ़ा रहे, वो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां दे। ये टीचर के छोटा सा भी बिना ब्रेक का 6 घंटा इतना थियोरी बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और उसके बाद भी जो प्रैक्टिकल भी हो रहा है वो मस्त लग रहा है सर। अच्छा, तो पूरा प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है? हाँ सर, मस्त। जो सोच के आए थे वो चीज मिल रही है? हाँ सर मिल रहा है। तो वीडियो आज हमारी सर बैटरी कनेक्टर की क्लास थी सर, उसमें सारा कुछ हमें बताया गया कि बैटरी कनेक्टर पे हमें कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, क्या क्या वोल्टेज आनी चाहिए, क्या क्या GR आती है, जो सारे उसके मतलब जितने भी फॉल्ट्स थे, जो भी डाउट्स थे हमारे, वो सारे आज क्लियर हो गए सर। वी बैट की जो लाइन है वो वीथर्म की लाइन, वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट, स्टार्ट टू एंड पॉइंट, एंडलेस सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं सर, हर एक चीज़ हमें बताया। क्योंकि हमने प्रैक्टिकली लाइव हर एक चीज़ ट्राई ट्रेस की, हर एक कंपोनेंट जो इसकी लाइन के बीच में आ रहे हैं हर एक कंपोनेंट चेक किया, एंडलेस सॉल्यूशन सर। जो भी मॉडल हमारे सामने आएगा उसकी हर एक चीज़, चार्जिंग से रिलेटेड, एक चार्जिंग से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारा हम ट्रेस आउट कर सकते हैं सर। देव सर का लेवल क्या है यहाँ पे पढ़ाने का सर? ये थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे यहाँ? प्रो प्लस लेवल है सर। प्रो प्लस 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 लेवल है सर। कि कल CPU किस किसने निकाल के लगाया? सामने सर, एक बार अपने नंबर बोलो क्योंकि मुझे लगता है 2 से ज्यादा वाल निकाल के लगाया आप लोग ने भी। कितने वाल लगाया बताओ तुमने? कितने, एक बार ही लगाया तुमने? नहीं, तीन चार बार लगाया। बोलो सर, हम 2 बार लगाया, दोनों बार एक ही बार में लगाया। दो बार मैंने 2 सेटों में लगाया है, एक में एक बार फैल गया तो दूसरे बार किया तो दोनों ऑन हो गया। दो बार सर। CPU लगाया कल आपने? लगाया तीन बार। तीन बार क्या लगाया कि चालू भी किया? चालू भी किया। दो बार। नंबर बोलो आपने? दो बार। तीन बार लगाया? दो बार। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां MD और सभी लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, और एक बार तुम लोगों के लिए जोरदार तालियां। आज है क्लास डिस्प्ले का, आज है क्लास आपकी बैटरी कनेक्टर की। किसकी क्लास है बताइए? अभी तक बोल रहा हूं मैं, 1.5 घंटा हुआ है, किस किस को समझ में आया बैटरी कनेक्टर की क्लास? बैटरी कनेक्टरों से लेकर बहुत से कंफ्यूजन किस किस के दूर हुए बताइए? तो देख के साथ में समझ में नहीं आता था, अब देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? बदला। और अब हम इस पे GR चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो ये देखो, ये आप ही में से किसी एक का सेट है जो हमें नेटवर्क के लिए बनाने के लिए दिया हुआ है MI का, और अब हम इस सेट का आप बताइएगा कि क्या सही है क्या नहीं है और कनेक्टर पे कितनी सप्लाई है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा मोड में चेक करूं? मतलब एक सर, दो। अब ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये MI, OPPO और Realme के फोन है। एटलीस्ट कितने GR चाहिए? 3 GR। इसलिए आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हो रहे क्या? नहीं हो रहे। तो आप क्या कर रहे हैं बताओ? डायोड मोड GR। अब पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर GR किसे कहते हैं, किस किस को पता है? यहाँ पर पता सबको? यस सर। GR कहाँ से आ रहा है? GR ये भी पता है ना? यस सर। और हम आज की क्लास में जानेंगे कि इसका GR कहाँ से आ रहा है। IC से तो आ रहा है, पर किस IC से? यस सर। IC से तो आ रहा है, तो यही हमारी आज का क्लास है जिसमें हमें BSI BTRM का IC समझना है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। बेहतरीन है, अच्छा है। और आज बैटरी क्लास थी, बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, जो बैटरी और बैटरी कनेक्टर दोनों के बारे में अच्छे से समझाया कि कहां से क्या दिक्कत आती है, कैसे क्या दिक्कत आती है, सब बारीकी से बताया गया है। और उस बताने के बाद भी अगर जो GR आता है, जो वोल्टेज आता है, कहाँ से कहाँ जाती है सप्लाई, वो सब बारीकी से बताया गया। प्लस बोर्नियो
बोर्नियो जिसमें डायग्राम द्वारा समझाया जाता है, उसमें एक एक पॉइंट भी बताया गया कैसे आईसी के अंदर से बॉल मिस हो जाए तो बना के लगाना मतलब किया जाए, कैसे क्या करना चाहिए सब बताया गया। क्लास किनके साथ थी आपकी? देव सर के साथ थी। तो बताइए मेरे को कि आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी सर। अच्छा। जितने चार्जिंग की समस्या आते थे पूरे डाउट क्लियर हो गए। टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी समस्या। अच्छा, सारी क्लियर है आपको? हाँ सर। बात करें बीएसआई की, बात करें बी थर्म की, सारी चीजें क्लियर है आपकी? सारी चीजें। बताइए हमें आज वीबेट की इंफॉर्मेशन सिखाया गया है, उसमें ये आईडी पॉइंट, थर्म पॉइंट, उसमें आने वाले प्रॉब्लम, उसके वोल्टेज के बारे में, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन दिया है सर ने। तो दीपक सर्चिंग का एंड तक गए कि नहीं गए? गए सर बिल्कुल। वोल्टेज वाइज, कंपोनेंट वाइज गए कि नहीं गए? बिल्कुल सर, पैड लाइन तक जाके हमें हमने ट्रेसिंग की है उसका, और उसको बाद में बिठा के हमें वोल्टेज भी चेक कर लिया। ठीक है, तो कैसा लग रहा है प्रो लेवल का? तो एंडलेस नॉलेज मिला कि नहीं? एंडलेस नॉलेज मिल गया। चलिए ठीक है, उसकी पैड लाइन तक हमें आज जानकारी दी गई। अच्छा, तो आपने आईसी की पैड लाइन उठा के बनाया कि नहीं बनाया? बनाया, बनाया आपने, विद प्रैक्टिकल बनाया। प्रैक्टिकल बात करूँ वोल्टेज की, बात करूँ जीआर की, तो आप 5 बजे से प्रैक्टिकल क्लास में, 5 या 5:30 बजे से आप प्रैक्टिकल क्लास में, तो आपने पूरे टाइम का उपयोग किया कि नहीं? पूरा टाइम का उपयोग, पूरा जीआर निकाला, पूरा वोल्टेज निकाली इसकी। एक एक चीज़ क्लियर है आपकी? एक एक चीज़ की। चलिए ठीक है, हमारी आईडी की लाइन आती है और थर्म की लाइन आती है, तो सब क्लियर है सर? सारा क्लियर है आपको? एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है सब? बात करूँ जीआर की, बात करूँ वोल्टेज की, और एंड तक आपका सर्किट कहाँ जाता है ये आपको पता है? किसी भी मोबाइल में अभी अगर आपको अगर टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर बैटरी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो आप उसका सोल्यूशन कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई सी भी बताइए। अगर आज बैटरी कनेक्टर की क्लास थी जी, इसमें वीबैट, आईडी और थर्म, उसकी सारी कहाँ से कहाँ लाइन जाती है सबके बारे में बताया, और हमने ट्रेस भी किया। अच्छा, तो क्लियर है हमारा। तो शकील बात करें वोल्टेज की, बात करें जीआर की, और आईडी और थर्म के जो लास्ट पाइन होता है बीच में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है? जी सर क्लियर है। नेपालबाट हो, आज जो जुन क्लास थियो, आज ब्याट्री कनेक्टरको क्लास थियो आज, त्यसमा हामीलाई सबै ट्रेस गर्ने, सबै कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ आइसीसम्मको पुरै अब नलेज भयो आज, थ्योरी पनि भयो, थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल भयो, र म 12 घन्टा आज क्लास भयो, त्यसमा एकदम सन्तुष्ट छु। यसमा बडा सेटिस्फाई हो पुरै प्याड लाइन त? हाँ सर। Thank you.
तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्होंने पावर निकाल के दोबारा से लगाया है, हालांकि ये सीपीयू भी निकाल के दोबारा से लगा चुके हैं इस सेम फ़ोन का। तो यहाँ पे आपने डायग्नोस किया कि कौन कौन सा कंप्लेंट लाइन में लगा हुआ था, बीएसआई और बी टाइम के लाइन पे है ऐसा, कितने ओम्स का रजिस्टर था, कैपेसिटर था, डायोड था, सीरीज मिला था, पैलर मिला था, ये सब सारी चीज़ें आपने चेक की। एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं, इधर आ गया एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। तो आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आपको हिंदी समझने में दिक्कत आ रही हो तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने लैंग्वेज में बोलिए। जो मैंने एशिया टेलीकॉम आसिया पे चाहते से मैंने आसतु ठीक से सीखी जानतु ये भल भाव शिखा हो। पैसा वसूल जैसा बोलते हैं आप, पैसा वसूल है कि नहीं? सर पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ है 28 अगस्त की मैच। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। टाइम क्या हो रहा है? क्लास कब स्टार्ट हुई थी हमारी? 11 बजे से 10:30। यस सर। घर जाते आते कितने टाइम हो जाएगा आपको? हॉस्टल जाते आते 12 घंटे सर। आधा घंटा मतलब 11 बज जाएगी। यस सर। तो कम क्लास तो नहीं मिल रही ना आपको? नहीं सर। पेट भर के मिल रही है? यस सर। तो ये बताइए आज क्या क्लास थी हमारी? आईडी प्लस बी थर्म की जो लाइनें थी पूरा डिस्कस किया आपको। ये हमने मॉडल वाइज किया क्या? नहीं सर। एक मॉडल वाइज पढ़ाया क्या? नहीं सर। बताइए मॉडल वाइज पढ़ाया क्या? नहीं सर। हमने क्या किस टाइप से पढ़ा? हमने सीपीयू वाइज पढ़ा। यस सर। मॉडल वाइज नहीं पढ़ने आ रहे सर, मॉडल 25,000 है, सीपीयू 4 है, हम सीपीयू पे पढ़ाएंगे। यस सर। क्या पढ़ रहे हैं हम? सीपीयू पे। यस सर। तो जो आपको सर ने क्लास दी क्या खाली थ्योरी की क्लास दी क्या आपको? नहीं सर। पूरा प्रैक्टिकल था? यस सर। पूरा प्रैक्टिकल था? यस सर। तो प्रैक्टिकल आपको वहीं से मिलना चालू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कितने हैंडसेट में डायग्नोस करके बताया आपको? सब ने सर। सारे हैंडसेट? यस सर। कोई सा सीपीयू छूटा है क्या आप? नहीं सर। बात करूं मैं एमटीके की? नहीं सर। एमटीके सीपीयू बताया आपको? सर। कौन कौन बताया आपको? एसएम बताया? यस सर। कौन कौन में एसबीएम बताया? यस सर। और आपने सैमसंग का जायनोक सीपीयू देखा आपने? यस सर। सारे प्रोटोकॉल बताया आपको? यस सर। कितना वोल्टेज है, कितना रीडिंग है, कहाँ जी आर है, सर्किट 1 सर्किट 2 और जितने भी प्रकार के सर्किट आते हैं सब नॉलेज है आपको? यस सर। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकल क्लास में एक एक ने पेड लाइन आईसी उठा के पेड लाइन बने की नहीं बने? यस सर।
बात करूं जीआर की, सबने बनाया? यस सर। बात करूं वोल्टेज की? यस सर। किसने किसने बनाया? थोड़ा हाथ लगा। यस सर। किसी प्रकार का कोई डाउट? नो सर। कोई किसी प्रकार की समस्या आपको? नहीं सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ स्टूडेंट है जी, बताइए सर। आज की बैच, आज की क्लास? हाँ आज की क्लास। किनके साथ थी आपकी? देव सर के साथ थी। तो बताइए मेरे को कि आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी सर। अच्छा। जितने चार्जिंग की समस्या आती थी पूरे डाउट क्लियर हो गए। टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी समस्या? अच्छा, सारी क्लियर है आपको? हाँ सर। बात करें बीएसआई की, बात करें बी थर्म की, सारी चीजें क्लियर है आपकी? सारी चीजें। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। दीपक पोद्दार हूं मैं, महाराष्ट्र से। हाँ जी दीपक, बताइए। हमें आज वी बैट की इंफॉर्मेशन सिखाया गया है, उसमें ये आईडी पॉइंट, थर्म पॉइंट, उसमें आने वाले प्रॉब्लम, उसके वोल्टेज के बारे में, कहाँ से आते कहाँ जाते, वो सब इंफॉर्मेशन दिया है सर ने। तो दीपक सर्चिंग का एंड तक गए कि नहीं गया? गए सर। वोल्टेज वाइज, कंपोनेंट वाइज गए कि नहीं गया? बिल्कुल सर, पैड लाइन तक जाके हमें हमने ट्रेसिंग की है उसका, और उसको बाद में बिठा के हमें वोल्टेज भी चेक कर लिया। ठीक है, तो कैसा लग रहा है प्रो लेवल का? तो एंडलेस नॉलेज मिला कि नहीं? एंडलेस नॉलेज मिल गया। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम गणेश, मैं उत्तराखंड से हूँ। आज मैं देव सर ने बैटरी कनेक्टर के चार्ज कनेक्टर के बारे में बताया गया जी, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद बीथरम और वीबैट, उसके बारे में पूरे उसकी पैड लाइन तक हमें आज जानकारी दी गई। अच्छा, तो आपने आईसी की पैड लाइन उठा के बनाया कि नहीं बनाया? बनाया, प्रैक्टिकल बनाया आपने, विद प्रैक्टिकल बनाया? प्रैक्टिकल। बात करूँ वोल्टेज की, बात करूँ जीआर की, तो आप 5 बजे से प्रैक्टिकल क्लास में, 5 या 5:30 बजे से आप प्रैक्टिकल क्लास में, तो आपने पूरे टाइम का उपयोग किया कि नहीं? पूरा टाइम का उपयोग, पूरा जीआर निकाला, पूरा वोल्टेज निकाली इसकी। एक एक चीज़ क्लियर है आपकी? एक एक चीज़ क्लियर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए। आज क्लास थी आपकी वीबेट की क्लास थी, जिसमें टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर की जो दोनों लाइनें आती है हमारी, आईडी की लाइन आती है और थर्म की लाइन आती है, तो सब क्लियर है सर? सारा क्लियर है आपको? एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है सब? बात करूँ जीआर की, बात करूँ वोल्टेज की, और एंड तक आपका सर्किट कहाँ जाता है ये आपको पता है? किसी भी मोबाइल में अभी अगर आपको अगर टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर बैटरी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो आप उसका सोल्यूशन कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई सी भी मोबाइल हाँ जी, तरीका है आपके पास, नॉलेज है आपके पास? चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम राजू, महाराष्ट्र से। जी बताइए। बैटरी कनेक्टर की क्लास थी। हाँ जी, हाँ बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, तो क्या लेवल से आपको समझाया क्लास? पूरा एंड लेवल से था, पूरा एंडलेस है, आईसी के अंदर तक। आईसी के अंदर तक बात करूँ वोल्टेज की, बात करूँ जीआर की, वो सब सब प्रैक्टिकली पूरा का पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अगर ये टाइम अगर 11 बजे तक अगर आप यहाँ हो, तो 11 बजे आपने पूरे टाइम आपने काम किया कि नहीं किया बोर्ड पे? पूरा टाइम किया सर। हैं, स्केमेटिक पे और ट्रेसिंग पे, पैड लाइन पे, डायग्राम पे आपने सब काम किए कि नहीं किए? सब। आईसी उठा के आपने पैड लाइन बनाई कि नहीं बनाई? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम साहिल है, मैं महाराष्ट्र से। जी साहिल बताइए। सर आज बैटरी कनेक्टर की क्लास थी। हाँ जी, बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, तो बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम आती है तो सब तरीके की प्रॉब्लम आपको सर ने बताई कि नहीं बताई? बताई। पूरा क्लियर है इसके अंदर? तो अब प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में ट्रेसिंग किया। अच्छा, ट्रेसिंग किया, आईसी की पैड लाइन उठा के बनाई आपने, एक ऑन बोर्ड से आपने वोल्टेज निकाले, जीआर निकाले, वो ट्रेसिंग करा आपने? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मोना पितवास गौड़ो। हाँ जी, बहरमपुर सर, ओडिशा बहरमपुर आ जी। क्या क्लास थी आज आपकी? सर आज बैटरी कनेक्टर क्लास थी, जहाँकि हमारे जो जीआर ग्राउंड वोल्टेज ये सब बाहर कर बहुत इजी थी। वो हर चीज क्लियर है आपकी? ये सर, आईसी उठा के पैड लाइन बन रही है आपकी? हाँ सर। वो कितना कितना एक्यूरेंसी है आपका, आपने जो काम करा उसमें आपको 100% एक्यूरेंसी है कि नहीं? एक एक चीज क्लियर है कि नहीं आपकी? सर सारी सारी क्लियर है। बात करूँ वोल्टेज की, बात करूँ जीआर की, तो कोई सा भी मोबाइल आता है या मॉडल आता है आपके पास या कोई सा भी सीपीयू आता है, तो आप उसको एंड तक ट्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर सब कुछ करी पारुछु, बर्तमान आगो को भी बहुत किछि करि पारिबु, बहुत सर को जो टैलेंट है वो बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है।
मास्टर जाहिद याकूब फ्रॉम कश्मीर सर। आज हमारी सर बैटरी कनेक्टर की क्लास थी सर, इसमें सारा कुछ हमें बताया गया कि बैटरी कनेक्टर पे हमें कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, क्या क्या वोल्टेज आनी चाहिए, क्या क्या जीआर आती है, तो सारे उसके मतलब जितने भी फॉल्ट्स थे, जो भी डाउट्स थे हमारे, वो सारे आज क्लियर हो गए सर। वी बैट की जो लाइन है वो वी थर्म की लाइन, वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, स्टार्ट टू एंड पॉइंट, एंडलेस सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं सर, हर एक चीज़ हमें बताई, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली लाइव हर एक चीज़ ट्राई ट्रेस की, हर एक कंपोनेंट जो इसकी लाइन के बीच में आ रहे हैं हर एक कंपोनेंट चेक किया, एंडलेस सॉल्यूशन सर, जो भी मॉडल हमारे सामने आएगा उसकी हर एक चीज़ चार्जिंग से रिलेटेड, एक चार्जिंग से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारा हम ट्रेस कर सकते हैं सर। देव सर का लेवल क्या है यहाँ पे पढ़ाने का सर, ये थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे यहाँ प्रो प्रो प्लस प्लस लेवल है सर, प्रो प्लस 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 लेवल है सर। तो कोई सी भी क्लास में हल्की पतली होती है क्या यहाँ पर? नहीं सर, प्रैक्टिकली तौर पे कितना स्ट्रांग है देव सर? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सर, उसको एक तो होती है ना नॉलेज सर, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, वो सालों का एक्सपीरियंस है जो कोई नहीं बता सकता, जो किसी बुक में नहीं लिखा, जो कहीं यूट्यूब से भी नहीं मिला, जो किसी बुक में नहीं मिल सकता हमें, वो एक्सपीरियंस से आता है सर। तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वो हम हमारे साथ वो शेयर करते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ को समझने में। चलिए ठीक है, और प्रैक्टिकल क्लास में आपने पूरा प्रैक्टिकल किया? यस सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, शकील बताइए। सर आज बैटरी कनेक्टर की क्लास थी जी, इसमें वी बैट आईडी और थ्रम, उसकी सारी कहाँ से कहाँ लाइन जाती है सबके बारे में बताया, और हमने ट्रेस भी किया। अच्छा, तो क्लियर है हमारा। तो शकील बात करें वोल्टेज की, बात करें जीआर की, और आईडी और थर्म के जो लास्ट पाइन होता है बीच में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, बताइए क्या क्लास थी आज हमारी, कैसी रही आपकी क्लास, और एंड लेवल तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे आप? जी सर, बैटरी कनेक्टर की क्लास थी सर आज हमारी। हाँ जी, और उसकी ट्रेसिंग की हमने आईसी तक की थी जी, और जितने भी वहाँ कंपोनेंट लग रहे हैं सारे, उनकी वैल्यू वगैरह सब कुछ, जीआर वगैरह सब कुछ निकाल के ट्रेस किया था। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये आज का आपके आईसी लेवल की क्लास आज से स्टार्ट हुई है ना, तो आपको कैसा लग रहा है, हर चीज़ में एंडलेस नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर? पूरा मिल रहा है सर, पूरा मिल रहा है आपको। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, साईराम है मेरा नाम। जी साईराम बताइए। सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा जी, और जो देव सर की डेडिकेशन है जी, और वो 6 घंटा खड़ा हो के बिना ब्रेक का हम लोग को पढ़ा रहे, वो बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार जोरदार तालियां दे। ये टीचर के छोटा सा भी बिना ब्रेक का 6 घंटा इतना थियोरी बता रहे, वो बहुत अच्छा लग रहा है सर, और उसके बाद भी जो प्रैक्टिकल भी हो रहा है वो मस्त लग रहा है सर। अच्छा, तो पूरा प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है? हाँ सर, मस्त जो सोच के आए थे वो चीज़ मिल रही है। हाँ सर मिल रहा है। तो वीडियो में देखते होंगे 12 घंटे 10 घंटे हर लड़का हाथ खड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो सब सही है, रियलिटी है कि रियलिटी है सर, इधर पे बहुत रियलिटी है, और जो भी देव सर बता रहे वो सब अच्छा तरीका से बता रहे, वो बहुत लो लेवल से एंड लेवल तक सब कुछ बता रहे। थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्ते, मेरा नाम शिवम मेटासी से है। जी शिवम बताइए। आज सर हमारी बैटरी की क्लास थी, जिसमें जो लाइनें जाती है वी वेट आई डी टैम्प बी टैम्प जो भी है, उसके बारे में जानकारी दी गई कि लाइनें कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसका ही हमने अभी शाम को पूरा प्रैक्टिकल किया, पूरा मतलब लाइनें ट्रेस की, उसका डायग्राम बनाया, सारी चीज़ें कम्प्लीट की। अच्छा, तो क्या लेवल है आपका आज तुमने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया बताइए, किस लेवल पे गया सर? फर्स्ट पूरा मतलब ट्रेसिंग की कहाँ से कहाँ तक जाती है, पूरा डायग्राम जो हमारे को एशिया टेलीकॉम के द्वारा दिया गया है भरनियों, उससे पूरा ट्रेस करके उसकी आईसी उठाकर। आज पहला दिन जी, और ये बोर्नियो एशिया टेलीकॉम ने आपको गिफ्ट कराया जी, दिन के लिए जी, जी, तो उसका उपयोग कैसा हो रहा है सर? बहुत मस्त हो रहा है। कितना वैल्यूएबल है वो? बहुत बहुत ज़्यादा सर, उसके बिना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता, तो उससे टेस्टिंग में बहुत टाइम लग जाता, उसकी मदद से हमने आईसी उठा के पूरी पेड लाइन चेक की, पूरे जीआर वोल्टेज सारे निकाले, उसका डायग्राम बनाया। सर ने आपको स्कीमेटिक भी चलाना सिखाया? जी बिल्कुल। अभी आप चला पा रहे हैं कि नहीं चला? बिल्कुल सर, इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं? जी 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 इजीली। पहला दिन आपको इजी लग रहा है कि नहीं डायग्राम के? नहीं सर इजी लग रहा, जो भी परेशानी थी, हमारे सर स्टाफ इतना अच्छा है कि सर 10 बार भी पूछें तो गुस्सा के इतने मुस्कुराते हुए हमको बिठा के समझाते हैं कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्लास में पूरा प्रैक्टिकल का टाइम मिल रहा है? बिल्कुल सर, पूरा। मैं बात करूँ वोल्टेज की, बात करूँ जीआर की, और एंड पॉइंट जी जी, आपकी लाइन का एंड पॉइंट कहाँ है जी जी, बिल्कुल मालूम है कि? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए ठीक, थैंक यू। मेरा नाम अनिल सिंह हो।
मेपालबाट हो आज जो जो क्लास थी आज बैटरी कनेक्टर क्लास थी आज इसमें हमीर सब टेस्ट करने सब कतिवटा कंपोनेंट जो आईसीसम को पूरे अब नलेज भाई आज थ्योरी भी भाई थ्योरी प्लस प्क्टिकल भो म 12 घंटा आज क्लास भो इसमें एकदम संतुष्ट छु इसमें पूरे पेड लाइन तक हाँ सर थैंक यू सर मेरा नाम संदीप है सर संदीप जो इच्छाएं तमन्ना है आरजू एक्सपेक्टेशन थी आपको एशिया टेलीकॉम से सर उसकी बात करूँ मैं जितना कुछ है सब बेहतरीन है अच्छा है और आज बैटरी क्लास थी बैटरी कनेक्टर की क्लास थी जो बैटरी और बैटरी कनेक्टर दोनों के बारे में अच्छे से समझाया कि कहाँ से क्या दिक्कत आती है कैसे क्या दिक्कत आती है सब बारीकी से बताया गया है और उस बताने के बाद भी अगर जो जीआर आता है जो वोल्टेज आता है कहाँ से कहाँ जाती है सप्लाई वो सब बारीकी से बताया गया प्लस बोर्नियो जिसमें डायग्राम द्वारा समझाया जाता है उसमें एक एक पॉइंट भी बताया गया कैसे आईसी के अंदर से बॉल मिस हो जाए तो बना के लगाना मतलब किया जाए कैसे क्या करना चाहिए सब बताया गया तो एशिया टेलीकॉम का अगर कोई 10 साल से भी पढ़ रहा हो मतलब 10 साल से इस फील्ड में हो और आज फ्रेशर भी हो तो क्या बोलना चाहोगे कि फ्रेशर भी इक्वल हो जाता है और 10 साल वाला भी इक्वल हो जाता है क्या यहाँ से सर सब बराबर हो जाते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है उस हिसाब से सब बराबर हो जाते हैं इक्वल हो जाता है हाँ सर ये आपका अनुभव है 4 दिन का जी सर तो आज देखो तुम्हारा पहला दिन था आईसी लेवल पे और पहले दिन आपको कैसा लग रहा है और विद स्कीमेटिक डायग्राम के साथ सर बहुत बढ़िया लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है बैठ रहा है लाइव चालू मोबाइल का आप सारा पूरा चूस रहे हो जो सेक्शन आते हैं हमने चार्जिंग तो पढ़ाया नहीं हमने आज आपको पढ़ाया वीबेट पढ़ाया तो वीबेट पढ़ाया तो आपके उसके चारों पॉइंट है वो चारों पॉइंट पूरा दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे जी सर बिल्कुल बैठे बराबर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है पवित्र ही नाम है चार्जिंग का जो भी डिटेल बताया गया है वो अच्छे तरीके से बताया गया है वीबेट का आईडी का बीटम का सब अच्छे तरीके से बताया गया है प्लस अभी थ्योरी क्लास में जो एंडलेक्स सॉल्यूशन था वो भी हम लोग ट्राई करके उसका डाटा शीट बनाया है तो एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं अभी आपके हाँ अभी एंडलेस सॉल्यूशन है बात करूँ वोल्टेज की बात करूँ जीआर की सब आज चौथे दिन पूरा यूजेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ यूजेस में आ रहा है अभी बोर्नियो भी गिफ्ट मिल रहा है उसको भी यूज कर रहे हैं वो यूज करके भी अच्छा लग रहा है तो प्रैग्मैटिक्स भी दे हाँ दे तो अच्छा है चलिए ठीक है सुधीर आइए जी मेरा नाम सुधीर कुमार है मैं बिहार से हूँ सर ने जो बैटरी कनेक्टर के सप्लाइयों के बारे में सारा डिटेल दिया वो बहुत ही बेहतरीन था और जिस तरह का एरर आता है चार्जिंग में बैटरी एरर आता है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और डीसी टू डीसी सप्लाई वाला जो आईसी होता है उसके बारे में डिटेल से सर पढ़ा है तो कैसा लग रहा है सुधीर ये बताइए अच्छा लग रहा है सर ठीक है और आपने आईसी उठाया जी जी तो पहले वाले सुधीर और अभी 3 दिन की क्लास लेने के बाद वाले सुधीर में कितना अंतर है सर डिटेल जी डीप लेवल का नॉलेज रहेगा तो अंतर रहेगा क्या बोलेंगे देव सर और देव सर के नॉलेज और देव सर के पढ़ाने के तरीके में और जो एक्यूरेंसी रखी है उन्होंने कि क्या तुम्हारा सिलेबस होना चाहिए जी उस सिलेबस के जी डी बाई डी वाला जो नियम सर ने बनाया है सिलेबस तैयार किया है बहुत अच्छे से मतलब कोई भी आसानी से समझ सकता है पहले दिन आते और आपको बीएसआई बी थर्म की लाइन बताते तो समझ में आती नहीं आती उसके पहले कंपोनेंट जी डीप लेवल का सही बात मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर मनीष साहू नाम है मेरा हाँ मनीष बताइए आज बैटरी सॉल्यूशन है कि नहीं आपके हाथ में सीधा डायरेक्ट बात करता हूँ देव सर के साथ क्लास थी आपकी कैसी लगी बहुत अच्छी लगी में बताइए मेरे को बहुत अच्छी टाइम भी बहुत हो रहा है और हो रहा है क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए आप जो पढ़ाने की टेक्निक है बहुत अच्छा है और आज हमारा बैटरी कनेक्टर का क्लास था उसमें जितने भी सप्लाई होती है बी वैट बी एस आई वी टैम का उनके एंडलेस सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया सर ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट आप सब आ जाओ तीनों चारों आ जाओ इधर नेपाल जी नाम बताइए अपना बाबराम चौधरी जी सुमित भंडारी जी अजय कुमार चौधरी जी अरुण कर्मकार मैं आप चारों से पूछना चाहता हूँ आप एशिया टेलीकॉम में आज आपको चौथा दिन है चौथे दिन की पोजीशन पूछूँ तो क्या हाल है बताइए आप आज की क्लास बैटरी और बैटरी कनेक्टर की थी जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही थी जी आज का क्लास उसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो ट्रिक और इनलेस
बोर्ड न्यू देख कर और जो सर के आइडिया ट्रिक थे उसके देख कर आज पैड लाइन बनाए। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मेरा नाम सुमित भंडारी, मैं नेपाल देखी। आज को क्लास हम बेटी कनेक्टर को थी जो एकदम राम्रो भयो। तब को सब कंपोनेंट कौन कंपोनेंट लग्स आईसीसम सब कनेक्शन सब था भो। देव सर को जो पढ़ाने तरीका एकदम राम्रो। एकचोटि देव सर को लागि ताली बजाउन चाहन्छु। कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में कैसा आया? समझ में आया सर। सर ने मेहनत की, आपको रिजल्ट मिला है आपका? जी सर। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अजय कुमार चौधरी, मैं नेपाल बाट हो। नेपाल बाट हो। आज हाम्रो क्लास भनेको ब्याट्री कनेक्टर को थियो र के भन्छ बजारमा हाम्रो अहिले ब्याट्रीको प्रब्लम भनेर धेरै आउँछ। जस्तो प्रब्लमहरू अब सल्भ गर्नको लागि सरले नयाँ नयाँ ट्रिक सिकाउनु भयो र आज भनेको हाम्रो भिभ्याट बिथरम और बेस का बिएसआई को क्लास थियो र सरले हामीलाई पूर्ण तरिका इनलेस तरिकाले सिकाउनु भयो। बात करूँ मैं वोल्टेज की, बात करूँ जीआर की, बात करूँ पेड लाइन की, आईसी उठा के पेड लाइन जो आपका एंड पॉइंट पे जाता है वो नॉलेज है कि नहीं आपके पास? हाँ सर वो है। ठीक है चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। अरुण कौर मकर कोलकाता से। जी बताइए, एंडलेस सॉल्यूशन आपकी जेब में है कि नहीं है? कलकत्ता से। হ্যাঁ স্যার, দারুণ মানে অসুন্দর লাগলো যে আমার সেটটা ডেড হয়ে গেছে, কিন্তু আমি একটা ওই সারের টিক আর ডায়াগনোস করে আমি ব্যাটারি পয়েন্ট কোথা থেকে কোথায় যায়, আইসি কোন আইসি ট্র্যাক লাইন করে সেটাকে লাইন করে আবার সেটাকে অন করে দিয়েছি। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?